बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान करंट अफेयर्स की न्यू लेक्चर में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस न्यू लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान करंट अफेयर अप्रैल 3rd week 2021। तो फिर शुरू कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल कम्यूटेटिव टाइम्स पर नहीं है तो बरए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अच्छा, तो सबसे पहली है, विच प्लेयर इज़ रैंक्ड फर्स्ट इन द ICC प्लेयर रैंकिंग फॉर ODI बैट्समैन 2021 वन डे बैट्समैन 2021 के लिए ICC प्लेयर की दर्जा बंदी में कौन सा खिलाड़ी पहले नंबर पर है? तो है बाबर आजम। What is the name of Pakistan e-sport player who has won the international UFL Ultimate Fighting League WUFL Tekken 7 tournament? Pakistan ki e-sport player ka naam kya hai jisne international UFL Ultimate Fighting League WUFL Tekken 7 tournament jeeta hai? To hai Arsalan Asiddiqui। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट AIU ने फेसबुक के साथ शराकत में जामिया इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर कौन सा मुकाम हासिल है? तो इसमें पाकिस्तान को 90 दर्जा में है। सिंध पुलिस में पहली बार हिंदू खवातीन डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस DSP बन गई, तो उसका नाम क्या है? तो यह मनीषा माल। मल्क की तारीख में पहली बार CSS के मसाबिकी इम्तहानात में कामयाबी के बाद एक हिंदू खातून ने सिंध पुलिस की सिप में शामिल हो गई। तोहफे के तौर पर किस कौम ने हुकूमत पाकिस्तान को 100 टन डेट्स यानी खजूर फराहम की? तो है कैसे, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। माह रमज़ान 2021 के दौरान सऊदी अरब की ममलिकत ने मौजूदा हुकूमत की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान को 100 टन डेट्स यानी खजूर फराहम की। विफाकी हुकूमत ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट ATA 1997 के तहत किस इस्लामी जुमात पर पाबंदी आयद की? तो है TLP तहरीक लब्बैक ऑफ पाकिस्तान। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड नेशनल हेरिटेज? मौजूदा विफाकी वजीर बराए इतलाआत नशरियात और कौमी वर्जा कौन है? तो है फवाद चौधरी। हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का मौजूदा वजीर ख़जाना कौन है? तो है शौकत फयाज अहमद तरीन। जुम्मे के रोज़ विफाकी काबीना में एक और हंगामा आरई में हमाद अजहर को इनकी तकरीर के एक माह से भी कम अरसे बाद वजीर ख़जाना की अहदे से हटाया गया और इनकी जगह पीपल्स पार्टी की सबक वजीर शौकत फयाज अहमद तरीन को भी शामिल किया गया था, जिसको महसूल का इजाफी कलमदान भी दिया गया था। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी डिवीजन? मौजूदा विफाकी वजीर तवानाई डिवीजन कौन है? तो है हमाद अजहर। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? मौजूदा विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी कौन है? तो है सैयद शिबली पराजी बराज। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन? मौजूदा विफाकी वजीर सनत व पैदावार कौन है? तो है मखदूम खुसरो बख्तियार। अजहर की जगह खुसरो बख्तियार को वजीर सनत और पैदावार बनाया गया। साबिक वजीर इतलात शिबली पराज, जिनकी जगह एक दिन कबल फवाद चौधरी ने ली थी, को साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया। हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकनॉमिक अफेयर? माशी उमूर का मौजूदा वफाकी वजीर कौन है? तो है उमर अयूब खान। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम WEF यंग ग्लोबल लीडर फॉर 5 ईयर्स? वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम WEF बेंग ग्लोबल लीडर को 5 सालों के लिए मुंतखब किया गया। तो है मलाइका अली बुखारी। आज के लिए इतना काफ़ी था। बराए मेहरबानी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस मिल सके। शुक्रिया।